राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे अचार 19 देसी रसोई में। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी टिप्स जो कि हरा धनिया। अब सर्दी जाने वाली है और गर्मी आने वाली है, गर्मी में बहुत मुश्किल से मिलता है हरा धनिया, तो हम करेंगे हरे धनिए को स्टोर। तो ये हमने अपने किचन बगिया में से ढेर सारा हरा धनिया काट लिया है। अगर आप बाज़ार से लेके आएँ तो उनमें जड़ होती हैं, जड़ को हटा दें और बाकी को रख लें। ये हमने धनिए को 4-5 बार धो लिया है और अब इस प्रकार की छलनी में रख देंगे ताकि सारा पानी झड़क जाए। धनिए का सारा पानी सूख गया है और अब कोई कॉटन का कपड़ा लेंगे और नीचे बिछा देंगे। ये इस प्रकार से बिछा देंगे। अब ये जो धनिया हमने धो रखा था इसको बिछा देंगे इसके ऊपर इस प्रकार से। धनिए को हम छाया में ही सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे। ये हमने धनिया सुखा दिया है और इसको बीच बीच में अलट पलट करते रहेंगे 5 से 6 दिन के बाद। ये देखो हमारा धनिया बिल्कुल सूख गया है, ये देखो बिल्कुल सूख गया है, इसकी पत्ती बिल्कुल सूख गई है। अब हम धनिया को इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार से सुखाया हुआ धनिया, अब इसकी पत्ती को हम अलग करेंगे। अब इनकी जो पत्तियां हैं वो आसानी से अलग हो जाएंगी। ये देखो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएंगी। और जो ये टहनी है इनको अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से सुखाया हुआ धनिया बहुत आसानी से और जल्दी इनकी पत्तियां निकल आती हैं। ये देखो हमने जल्दी जल्दी ही ये देखो कितनी निकाल दी। अब इसी प्रकार से हम पूरे धनिया की पत्तियां निकाल लेंगे। अब सर्दियां जाने वाली हैं, अब तो ढेर सारा मिल जाएगा हरा धनिया और ला कर सुखा ले। कई बार गर्मियों में ऐसा होता है कि हमारे पास हरा धनिया नहीं होता और अगर है तो वो भी ख़राब हो जाता है जल्दी। तो हम इस प्रकार से ये स्टोर करेंगे तो जब भी हम धनिया या फिर सब्ज़ी में डालेंगे तो वह बिल्कुल फ्रेश धनिया ही लगेगा जब हम सब्ज़ी में डालेंगे। ये देखो हमने सारी पत्तियाँ अलग कर ली हैं और अब किसी एयर टाइट डिब्बे में डाल देंगे इस प्रकार से। धनिया को दबा दबा के नहीं डालेंगे, अगर हम दबा दबा कर डालेंगे तो धनिया ख़राब हो जाएगा। जब हम इस प्रकार से स्टोर किया हुआ हरा धनिया यूज़ करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्रेश हरा धनिया है या फिर हमने स्टोर किया हुआ है। बिल्कुल टेस्ट हरे धनिया की तरह आएगा। तो इसलिए इस प्रकार से थोड़ी सी मेहनत करके हरा धनिया स्टोर करें और पूरे साल या फिर 6 महीने तक तो ज़रूर ही चलेगा। इस प्रकार से कंटेनर में इसे एयर टाइट बंद करके उसके बाद इसको कहीं भी सूखी जगह पे रख दे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हरा धनिया है यूज़ करें, बाकी हरा धनिया नहीं है तो फिर अपना स्टोर किया हुआ यूज़ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।